हेलो फ्रेंड्स, ग्रीनरी एवरीडे में आप सबका स्वागत है। आप सब लोगों ने मेरे छोटे से टेरेस गार्डन को देखा और लाइक किया, कमेंट्स किए, इस सब के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरा गार्डन, टेरेस गार्डन बहुत ही छोटा है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, मुझे शौक़ है तो मैंने उसको ठीक से मेंटेन कर रखा है। आप देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लूमेरिया का प्लांट है। इसमें इस समय बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है फ्रेंड्स, और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है सारा। आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, देखिए सारा मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। मैं जहाँ वॉक पे जाती हूँ वहाँ एक बहुत बड़ा ट्री था, तो मैं वहाँ से इसकी कटिंग लेके आई और मैंने इसको ग्रो किया। इसकी कटिंग ग्रो करना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से ये ग्रो हो जाती है फ्रेंड्स, और इसमें काफ़ी अच्छी, अभी तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फाइकस का है, ये भी इस समय बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी ग्रीन और एकदम खूबसूरत। जब मैंने इसे लिया था तो ये काफ़ी छोटा सा था और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मनी प्लांट। और ये सारी मेरी मॉस रोज है फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी कलर है फ्रेंड्स मेरे पास, लेकिन उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ज़ोरा की ही एक वैरायटी है। और ये फ्रेंड्स मेरा अडेनियम का प्लांट है, इसमें भी इस समय बहुत ब्लूमिंग हो रही है फ्रेंड्स। इसके कलर कितने ही फाइन है फ्रेंड्स, देखिए आप। इस समय इसमें काफ़ी ही अच्छी ब्लूमिंग है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात तो इसकी फ्लावर्स कई कई दिन तक बने रहते हैं, जल्दी से झड़ती नहीं है। और ये मेरा पर्पल हार्ट है फ्रेंड्स, ये भी इस समय काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये सारे मेरे हैंगिंग बास्केट में मॉस रोज लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरा टेरेस गार्डन, छोटा सा टेरेस गार्डन कैसा लगा आप सब मुझे बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आती हूँ लेके आपको कोई एक अच्छा सा प्लांट। तब तक के लिए बाय बाय।